हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अथर्व और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गेजर। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिल्की वे, जी हाँ मिल्की वे वही गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है और हमारी अर्थ है। तो ये गैलेक्सी बहुत ही ज़्यादा खास है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग की धरती और सोलर सिस्टम इसी में एग्जिस्ट करता है। सो इस गैलेक्सी को कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर करना है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिलहाल तो रात है और मिल्की वे होराइजन से अभी ऊपर नहीं आया है। सो वो करीब 4 बजे भोर में ऊपर आएगा होराइजन से, तो हम लोग उस टाइम उठ करके फोटोग्राफी करने चलेंगे। और उस समय मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी मिल्की वे के साथ होते हैं उनकी भी मैं बात करूँगा। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4। ओके, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, अगर देख रहा हो तो 4:09 हो रहा है। सो अब हम लोग करेंगे फोटोग्राफी मिल्की वे गैलेक्सी की, और इस वक्त वो साउथ साइड में आ चुका होगा, साउथ डायरेक्शन में। सो बहुत ही आराम से, बहुत ही क्लियरली हम लोग उसकी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन में स्टेलेरियम डाल रखा है, जो कि किसी भी एस्ट्रो फोटोग्राफर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये फ़ोन है मेरा वीवो का Y91। ये बहुत ही नॉर्मल फ़ोन है, आज के अपग्रेडेड फ़ोन्स के मुताबिक ये बहुत ही कमज़ोर फ़ोन है। इसका कैमरा उनके मुताबिक बहुत ही कमज़ोर है, बट फिर भी हम लोग आज इसी फ़ोन से मिल्की वे गैलेक्सी कैप्चर करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन ट्राइपॉड पर सेट कर दिया है साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके, क्योंकि उसी तरफ मिल्की वे होता है। और अब बारी है फ़ोटो क्लिक करने की। सो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे ISO, WB और AF, मतलब वो ऑटो फोकस है। तो इन ऑप्शंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेन जो ऑप्शंस होते हैं वो दो ही होते हैं, जो कि होता है शटर स्पीड और ISO। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शटर स्पीड और ISO, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी फ़ोटो को अच्छी तरह से क्लिक करने के लिए। सो यहाँ पे शटर स्पीड हम लोग लेंगे 16 सेकेंड्स, क्योंकि दोस्तों आप लोग के फ़ोन्स में जो आजकल के अपग्रेडेड फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें जो शटर स्पीड की वैल्यू होती है वो 32 तक जाती है, बट 32 सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 16 सेकेंड्स में भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो आ सकती है। और जो 32 सेकेंड्स कभी कभी आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो उसके वजह से फ़ोटो में कई बार लाइट पोजीशन भी आ जाता है। सो उसको अवॉइड करने के लिए आप लोगों को शटर स्पीड हमेशा कम ही रखनी चाहिए, और ISO भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, 50 या 100 तक या 200 तक भी रख देंगे तो भी बहुत होता है। खासतौर पे उन एरियाज़ में शटर स्पीड और ISO कम रखना चाहिए जिन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा लाइट पोल्यूशन हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अपनी फ़ोटोग्राफी को करते हैं स्टार्ट। हो चुकी है कंप्लीट और यहाँ पर है मेरे पास उस फोटोग्राफी का रिजल्ट। चलिए देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा मिल्की वे गैलेक्सी यहाँ पे कैप्चर हुआ है, और इस फोन ने यहाँ पे लैगून नेबुला तक कैप्चर कर लिया है इस फोटो में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे मिल्की वे को कैप्चर कर लिया है। कुछ और भी फोटोज है मेरे पास, यहाँ पे 4 फोटोज मैंने क्लिक किए हैं, जिसमें कि 3 फोटोज़ तो बहुत ही अच्छी है और 4th फोटो एक तरह से ठीक है, बट फिर भी इन 3 फोटोज़ में आप लैगून नेब्यूला को बहुत ही अच्छे तरीके से स्पॉट कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर लगा के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आपको इतना दिख नहीं रहा होगा। विद लाइफ प्रूफ फोटोग्राफी करना दिखा दिया है कि कैसे करनी है फोटोग्राफी, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फोटोग्राफी करने में तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड। और अगर आपको और भी क्वेरीज हो कोई तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोगेजर ऑफिशियल मेरी आईडी है, उस पर आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो उस आईडी को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं और उसके लिए 1 लाइक तो बनता है।
तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।